हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लैक एंड ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है ना, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लाइक आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फ़ोटो इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -10 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। तो इसे रखते हैं -8 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -15 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को करेंगे हम -10 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है तो इसकी वैल्यू को करेंगे यहाँ से -19 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -14 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे एंड अपने फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है तो गाइस इसकी ह्यू है 230 एंड सैचुरेशन है 46 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है तो इसे रखते हैं -10 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70 एंड यहाँ से बैलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो बैलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +29 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं लाइट का ऑप्शन पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है तो इसे रखते हैं -9 एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। ठीक है तो इसे रखते हैं +12 एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो गाइस वीनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -30 एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है तो मीट फॉन्ट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम 25 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इसे रखते हैं 21 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं +16 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक कलर नॉइस रिडक्शन
एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।